काफी लोगों को अल्कोहल, वाइन और बियर जैसी चीजों का एडिक्शन होता है, पर क्या आप जानते हैं कि अल्कोहल रियल में क्या है? अल्कोहल एक इंग्रेडिएंट है जो ज्यादातर बियर, वाइन्स और स्पिरिट्स में भी होता है। इस अल्कोहल इंग्रेडिएंट के कारण पीने वाले इंसान को नशा चढ़ता है, और ये अल्कोहल तब बनती है जब अलग अलग फूड्स के शुगर बिना ऑक्सीजन के टूट जाते हैं, जिसे यीस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इस बात का उदाहरण बताओ तो जैसे वाइन ग्रेप्स के शुगर से बनती है, बियर माल्टेड बार्ली ग्रेन की शुगर से बनता है, और वोडका पोटैटो की शुगर से बनाया जाता है, और सारे ड्रिंक्स बनाने में चीजों को फर्मेंट किया जाता है। अल्कोहल से चढ़ने वाला नशा इतना स्ट्रांग होता है जिस कारण पीने वाले इंसान को अपना होश नहीं रहता है। इसीलिए अल्कोहल को सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ज्यादा डोज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड हो जाता है, जिस कारण इंसान को अपने आसपास की दुनिया का होश नहीं रहता है। काफी बार आपने सुना होगा कि अल्कोहल के कारण हेल्थ पे काफी बुरे परिणाम होते हैं, इसीलिए अल्कोहल का नशा छुड़ाने की काफी कोशिश की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि अल्कोहल बॉडी में जाने के बाद कैसे इफेक्ट करता है? अल्कोहल इतना पावरफुल होता है कि एक शॉट पीने से काफी तेजी से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और फिर बॉडी से बाकी पार्ट्स में जाता है, और अगर प्रेग्नेंट लेडी अल्कोहल पिए तो वो अनबॉर्न बेबी तक भी पहुँचता है। अल्कोहल ब्लड में कैसे जाता है और उसके बाद कौन से इफेक्ट होते हैं, वो डिटेल में इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाउ डज अल्कोहल गेट इन टू माई ब्लड? आप अल्कोहल थोड़े से क्वांटिटी में भी पियेंगे तो काफी तेजी से माउथ और टंग के थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स में पहुँच जाता है। उसके बाद 20% अल्कोहल पेट के जरिए ब्लड में जाता है, और अगर पेट खाली होता है तो अल्कोहल को इंटेस्टाइन में जाने के लिए टाइम नहीं लगता है। अगर पेट भरा हुआ होगा तो अल्कोहल काफी टाइम तक पेट में ही रहता है, जिस कारण वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से अल्कोहल ब्लड में जाता है। कम से कम 30 to 90 minutes लगते हैं अल्कोहल को बाकी ऑर्गन्स में पहुँचने के लिए। अल्कोहल का इफेक्ट हर इंसान पे अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोगों पे अल्कोहल का नशा काफी जल्दी चढ़ता है तो कुछ लोगों पे नशा धीरे चढ़ता है। यानी कि दो लोगों ने सिर्फ एक ग्लास अल्कोहल पिया तो भी उस इंसान को नशा चढ़ता है, और ये नशा चढ़ने का पावर ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि लीवर हर एक घंटे में अल्कोहल को निश्चित मात्रा में तोड़ सकता है। इसीलिए जब अल्कोहल जल्दी पिया जाता है तब लीवर उसे तोड़ नहीं पाता है, और ब्लड में अल्कोहल राइज होने के कारण नशा चढ़ता है। अल्कोहल का नशा चढ़ना उस अल्कोहल के टाइप पे भी डिपेंड करता है। उसके सिवा इंसान के बॉडी कितने स्ट्रांग है उस पे ये भी बात डिपेंड करती है। जो लोग स्ट्रांग और मस्कुलर पावर के होते हैं उनकी बॉडी अल्कोहल जल्दी एब्जॉर्ब करती है। इसके सिवा अगर कोई महिला अल्कोहल का सेवन करती है तो उसे पुरुषों के मुताबिक जल्दी नशा चढ़ता है। दोनों के बॉडी में मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन की पावर अलग होती है, इसीलिए काफी बार महिलाओं को प्रेगनेंसी में अल्कोहल का सेवन करने के लिए ना बोला जाता है। अल्कोहल का असर उस महिला पे होता ही है, पर उस बच्चे पे भी होता है। प्लेसेंटा में से और महिला के ब्लड में से अल्कोहल बच्चे तक पहुंचता है, और उस बच्चे की ब्लड में भी सेम अल्कोहल लेवल मिल जाता है, पर वो अनबॉर्न बेबी होने के कारण अल्कोहल का इफेक्ट ब्रेक नहीं होता है, जिस कारण प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में अल्कोहल का सेवन करना बच्चे की डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अल्कोहल का नशा पावरफुल होने के कारण ब्रेन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है। जब अल्कोहल का असर बड़े इंसान पे इतना जल्दी हो जाता है तो सोचिए कि अनबॉर्न बेबी पे कितना असर करेगा, और प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का ब्रेन डेवलप होने की प्रोसेस में रहता है, जिस कारण अल्कोहल के सेवन से उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, और इसीलिए प्रेगनेंसी में अल्कोहल पीना स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे अल्कोहल के कारण होने वाले इफेक्ट्स, जो आपके ब्लड में से बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, और अल्कोहल से होने वाले असर हर इंसान की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। तब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।